कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे मतदान हो रहा है, गिनती हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण, किसानों के लिए जो हमने बात की, किसानों के हित में जो बात की, महिलाओं के लिए जो कहा, और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग को जोड़ा है, उसका भी असर दिखेगा। और भूपेश के 5 साल की असफलता, और भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। सर, अपने क्षेत्र में जनता ने आपको किस तरह? राजनांदगांव बहुत अच्छा रहेगा, पिछले 3 चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार राजनांदगांव में मतदाता का आशीर्वाद मिलने वाला है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं। कितनी सीट जाके 46 और 48 की बात मैं नहीं करता, 42 से 55 सीट तक जाएगी।